विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी को लगभग 7-8 महीने बीत चुके हैं और ऐसे में दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई है। जी हाँ, हाल ही में कटरीना कैफ और उनके हस्बैंड विकी कौशल को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। एक शख्स सोशल मीडिया पर स्टार कपल को लगातार धमकियां दे रहा था। पुलिस ने अब धमकी देने वाले शख्स का पता लगा लिया है और उसे अपनी गिरफ्त में भी ले लिया है। जानकारी की माने तो मुंबई पुलिस ने मनविंदर सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मनविंदर पेशे से एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। बताया जा रहा है कि मनविंदर सिंह बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ का काफी बड़ा फैन है और वो कटरीना से शादी करना चाहता था, इसलिए पिछले कुछ महीनों से वो लगातार सोशल मीडिया पर कटरीना और विकी कौशल को परेशान कर रहा था। कटरीना और विकी को धमकी देने वाला आरोपी शख्स मुंबई में ही रहता है। पुलिस ने आरोपी शख्स को आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस शख्स से पूछताछ कर रही है। वेल दोस्तों, इसके अलावा भी इंडस्ट्री में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता है। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार फिर से एक्टर विकी कौशल और रणबीर कपूर एक साथ काम करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके बारे में जब से कटरीना कैफ को पता चला है तब से ही कटरीना कैफ विकी कौशल से नाराज है और घर में बहसबाजी का माहौल बना है। दरअसल विकी और रणबीर कपूर मेरा नाम गोविंदा फिल्म में नजर आने वाले हैं। इससे पहले फिल्म संजू में विकी और रणबीर की जोड़ी को देखा गया था, जहां दोनों ने अपने शानदार अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया था। वेल, अब जब से विकी और रणबीर एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं तब से ही कटरीना काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है, क्योंकि कटरीना और रणबीर कपूर का रिलेशनशिप कुछ अच्छे नोट्स पर खत्म नहीं हुआ था, जिसके बाद से ही कटरीना रणबीर से काफी ज्यादा चिढ़ती हैं। अपनी शादी के दौरान भी ना तो रणबीर ने कटरीना को इनवाइट किया और ना ही कटरीना ने रणबीर कपूर को। हालांकि कटरीना का रिश्ता सलमान खान से भी रहा और सलमान खान से उनके संबंध आज भी काफी अच्छे हैं, लेकिन रणबीर कपूर के साथ उनके रिलेशनशिप्स काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। वो एक दूसरे को पब्लिकली इग्नोर करते नजर आते हैं और कटरीना ने तो ये साफ कर दिया है कि वो आने वाले वक्त में कभी भी रणबीर कपूर के साथ काम नहीं करेंगी। ऐसे में कटरीना नहीं चाहती कि उनके पति विकी कौशल भी उनके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ काम करें। वेल दोस्तों, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर आने वाले वक्त में विकी कौशल क्या फैसला लेंगे।